सब लोग यही कहते थे कि अगर तुम्हें केक ही बनाने हैं तो भाई क्या बीबीए या एमबीए करने की क्या जरूरत जरूरत थी है। बिल्कुल। तो लेकिन मेरे पास हमेशा ये जवाब होता था, मैंने स्टार्ट किया था 2014-13 के बीच में, तो मैंने तो 250 रुपये से स्टार्ट की। बहन की बर्थडे पे जो है वो कुछ कपकेक्स वगैरह बेक किए उनके ऊपर हल्का सा डिकोर वगैरह करके, तो मैंने उसकी पिक्चर्स लेके अपने सोशल एप्स वगैरह पे लगाई, तो वहां से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। फोर्थ क्लास की बच्ची है, अब वो भी इतनी पैशनेट है बिल्कुल अपने काम को लेके कि मुझे भी ये चीज आती है, मैं इसको इम्प्रूव करके इसको सेल कैसे कर सकती। अपने आप को किसी भी एक सर्कल में महदूद मत करें। अगर आपको लगता है कि आप इस सर्कल से बहुत ज्यादा बाहर निकल के अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, तो वो सीखें और उन स्किल्स के साथ अपने आप को एनहांस करो। अस्सलाम वालेकुम नाजीन, मैं हूँ आपकी मेजबान कवल अमानत और आप देख रहे हैं स्टूडियो 5। नाजीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद है इकरा महनूर साहिबा और ये एसोसिएट है मम्स किचन से। शायद आपने कभी ना कभी जो है वो मम्स किचन को एक दफ़ा लाइक सब्सक्राइब या फिर ना भी किया हो तो ऑर्डर ज़रूर किया होगा किसी कस्टमर्स केक का, कपकेक का या फिर किसी और चीज़ का भी। आज हम इनके पास हाजिर हो गया क्योंकि ये कस्टमाइज बेकरी आइटम्स को तैयार करती हैं और ये काम करते हुए तकरीबन इन्हें 8 से 9 साल हो चुके हैं और इतना जबरदस्त करती हैं कि कोई एक दफा देखे तो वो ऑर्डर किए बगैर रह नहीं सकता। आज इनके पास हाजिर इसलिए मैं ताकि जान सके कि जी अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं इसका, और ऑनलाइन घर पर बैठकर ये काम करना कितना मुश्किल है या फिर कितना आसान है, कितनी इन्वेस्टमेंट की नीड है, सारा बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करने वाले हैं और जानने लगे हैं इनकी मोटिवेटिंग स्टोरी। तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का करम। इकरामा नूर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको ख्याल कब आया कि जी आपने ये बेकरी आइटम्स का ही काम करना है? अच्छा, मुझे ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया था कि मैंने जो है वो बेकरी आइटम्स का काम करना है। बेसिकली मुझे शौक था ठीक है, कपकेक्स बनाने का या कुछ ओके, भी, देसी खाने का बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं मतलब कुकिंग लाइक वगैरह करूँ, बेकिंग का शौक है, सिर्फ कुकिंग बेकिंग का का शौक शौक है। नहीं हाँ है बिल्कुल। ठीक तो है। मैंने अपनी बहन की बर्थडे पे जो है वो कुछ कपकेक्स वगैरह बेक किए उनके ऊपर हल्का सा डिकोर वगैरह करके, तो मैंने उसकी पिक्चर्स लेके अपने सोशल एप्स वगैरह पे लगाई, तो वहां से आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर। और ओके, बेसिकली वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुई। एक्सीडेंटल फर्स्ट ऑर्डर। हाँ तो फिर वहां से जो है उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उसने कहा ये बहुत तैयार लग रहे हैं। उसने कि नहीं, दीज आर नॉट फॉर सेल। कहती नहीं 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 बहुत तैयार लग रहे हैं, प्लीज तुम उससे चार्ज कर लो लेकिन मुझे ये बना दो। ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है। फिर मैंने वो फर्स्ट ऑर्डर बनाया, फिर उसको देख के उसी की फ्रेंड ने दूसरा ऑर्डर दिया, फिर वो एक जर्नी जो है वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू स्प्रेड होती गई और वो जर्नी स्टार्ट हो गई और ये कब स्टार्ट हुई? 2014 में। 2014 में। 14 में तो ये जो मम्स किचन नाम है ये कहाँ से सुजेस्ट किसने किया आपको? सजेस्ट किसी ने नहीं किया था, मैं और मम्मा ही होते ना किचन में, मतलब मम्मा अपना काम कर रही होती थी और मैं अपना। तो अब ना मतलब ऐसे ही रेंडम टॉक होती रहती थी हमारी किचन में, हम बातें शाते कर रहे हैं कुछ भी, तो मैंने कहा मैं ना ऐसे करती हूँ मम्स किचन ही नाम रख देती हूँ ना, माँ का किचन और वो घर वाली वाइब भी आ रही है उस बाय तरह बाय है से। बिल्कुल। तो मम्मा वाज लाइक कि अच्छा हाँ अच्छा है, नाम बहुत प्यारा है, तो इसको ना MOM कर। मैंने कहा नहीं नहीं इट्स मम्स, मम्स किचन रखेंगे। काफी लोग कंफ्यूज होते थे, नहीं मम्मास किचन होना चाहिए था या मोम्स किचन होना चाहिए था। बिल्कुल आई वाज लाइक कि नहीं, जो डिसाइड कर लिया अब वही वही रहेगा, रहेगा। तो ठीक ये है, मम्स तो ये किचन आपने 2013 में नाम रख लिया था। हाँ, था 14 में, 14 14 में में ही थे। मैंने जो है वो इसका नाम भी रख लिया था और फर्स्ट ओके। लोगो भी मैंने खुद से ही डिजाइन किया था। अब जो लोगो है जाहिर है वो तो प्रोफेशनल से बनवाया, लेकिन जो फर्स्ट लोगो था वो मैंने खुद से डिजाइन किया था, एक पैन बना के उसके अंदर MUM के थ्रू जो है वो विस्क ऐड किया हुआ है, ब्लेंडर ऐड किया, मतलब बड़ी मेहनत करके जो है वो एक लोगो फर्स्ट ओके, बनाया बड़ा था। सोच विचार हाँ करके कि कैसे कैसे बनेंगे। किचन को अफिलियट कर सकता है ये ओके लोगो, ठीक लेकिन है अब जो है वो थोड़ा सा स्टैटिकली कूल है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप 2013 से ये काम कर रही हैं तो अब अगर 2023 है तो माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा खासा कमा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ऐसे अच्छा ही है, खासा कमा यू आर रही एन हूँ। इंडिपेंडेंट गर्ल नाउ, हाँ बेशक। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या स्टार्टिंग से सोच रखा था कि आपने ये कर लेना, आपने कहा कि एक्सीडेंटल वे में आप आ गई, बट द थिंग इज कि आप स्टडीज किस में कर रही हैं? जो अपनी स्टडी की है वो मैंने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ओके MBA किया हुआ है, और वो मेरी थी मार्केटिंग में। तो ओके बेसिकली तब भी मुझे सब लोग यही कहते थे कि अगर तुम्हें केक ही बनाने हैं तो भाई बीबीए या एमबीए करने की क्या क्या जरूरत जरूरत है। थी बिल्कुल। तो लेकिन मेरे पास हमेशा ये जवाब होता था कि बीबीए या एमबीए करने का मकसद ही मेरा ये था कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, मतलब ओके जॉब की तरफ तो जाना ही नहीं है। बेसिकली बिल्कुल। हमारे ना सोसाइटी में ना माइंडसेट ही इस तरह का बना देते हैं बच्चों का, मतलब टीन एज में या फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में, कि आपने आगे जाके यू हैव टू फाइंड सम जॉब, अगर जॉब नौकरी नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं कर कुछ सकते, भी नहीं कर नौकरी सकते। करनी है तुम्हें, नौकरी करनी। तो मेरा उसी टाइम से मेरे अपना ही माइंडसेट ये बन चुका था, नौकरी नहीं नहीं करनी, करनी, बिजनेस नौकरी करना नहीं है। करनी, तो बिजनेस। बिजनेस करना है। तो जाहिर है कि वो 2014 में मैं अपनी बीबीए के सेकंड सेमेस्टर में थी, फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर में, तो वहीं से जो है वो मैंने, उससे पहले भी मैं दो बिजनेस स्टार्ट करके फ्लॉप कर चुकी थी, मतलब ओके ये नहीं है कि ये मेरा पहला स्टार्टअप था, इससे पहले मैं अच्छा दो स्टार्टअप कर चुकी थी ओके। लेकिन वो फ्लॉप थे। तो जाहिर है कि मुझे मतलब वो पैशन मेरा स्टार्ट हो चुका था कि एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो आई पैशन हैव था ना टू डू मुझे, समथिंग नाउ। हाँ हाँ मुझे कुछ करना है, लेकिन वो क्या करना है वो नहीं पता नहीं था। पता था अब बिल्कुल। इसके स्टार्ट में भी जाहिर है कि मैं जब मेहनत करी थी और बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, मेरे हाथ जल रहे थे, आपको पता है किचन में वैसे भी नॉर्मली रूटीन नॉर्मल में काम करो बिल्कुल। तो होता रहता है, और मैं फुल टाइम जो इसमें इंडल्ज हो गई थी, तो बहुत ज्यादा बर्निंग
फेस खराब हो रहा है, टीनेज गर्ल हो, ये वो, तो बहुत ज्यादा बैशिंग सुनने को मिलती थी। लेकिन जाहिर है कि मैं आ चुकी थी उस ट्रैक पे, पैशन था एक, और वो मुझे कोई भी डिट्रैक्ट नहीं कर सकता था। बिल्कुल। तो बस तो आपने एमबीए की डिग्री, नाउ यू आर मतलब आप इसको जो है कहूंगी कि मुकम्मल, अब तो एक समझ ले कि बेकरी बन चुकी है, तो उसने कितना इसमें कंट्रीब्यूट किया, लाइक उसका क्या रद्दअमल रहा आपके इस बिजनेस में? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट थी, तो जो मेरे क्लाइंट्स थे, इनिशियल क्लाइंट्स थे, जो मेरे फर्स्ट क्लाइंट्स थे, वो मेरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ही थे। ओके। तो चलो मुझे वहीं से आ गया, आपकी कम्युनिटी से ही आना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, वहीं से मुझे मेरा जो बिजनेस है वो स्टार्ट होगी, उसकी जर्नी भी, और प्लस ये कि मुझे जो भी इनकम जनरेट होती थी वो भी वहीं से स्टार्ट होगी। और उसके बाद जो मैं वहां से सीख रही थी, जो मैं लर्न कर रही थी कि मतलब बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या होते हैं, आपने फाइनेंसिस को कैसे देखना होता है, कॉस्ट कटिंग कैसे करनी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाना होता है अपने बिजनेस, मतलब जितनी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि फिर ये सारी टर्मिनोलॉजीज पढ़ाने के बाद टीचर्स ये क्यों कहते हैं एग्जीक्यूट कैसे होगा, आपने जॉब करनी है, यानी कि बिजनेस टर्मिनोलॉजी जॉब में ये कैसे एग्जीक्यूट करोगे जब तक आपका अपना बिजनेस नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी का ना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, कि आपने कुछ भी स्टार्ट करना, छोटे से छोटा भी अगर आपका स्टार्टअप है, तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर ओन। बिल्कुल ऐसे ही, जॉब क्योंकि जाहिर है जरूरी भी है। अच्छा जी, बिजनेस टर्मिनोलॉजीज की बात आ गई, तो मैं यही अब क्वेश्चन करूंगी आपसे कि अगर हमारे देखने वाले नाज़रीन इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेटेड टू द बेकरी आइटम, कपकेक्स और कस्टमाइज केक वगैरह, तो कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, क्या क्या ऐसी चीजें जिनको मद्देनजर रखना चाहिए, और अगर आज से हम स्टार्ट लेते हैं हाउ वी कैन सक्सीड? अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया था 2014-13 के बीच में, तो मैंने तो 250 रुपए से स्टार्ट किया। वाओ, ठीक है, तो लेकिन इस बात पे नहीं जाना क्योंकि मैंने अपने 2013 की बात है, और कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा सब चीजें, बहुत इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुकी है, तो अब उस चीज पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन द थिंग इज कि मैंने अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया था, मैंने अपने घर के किचन को यूटिलाइज किया था, मैंने ग्रोसरीज जो थी वो घर वाली ही यूज करना स्टार्ट कर दी थी, मैंने कोई भी इक्विपमेंट जाके परचेज नहीं किया था स्टार्ट में, मैंने कुछ भी मतलब मैंने कोई भी हाईली इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, ठीक है, तो मैंने वो जो अपने रिसोर्सेज थे उनको यूटिलाइज किया और मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता जब जब मुझे चीजें अर्न होती गई, जब मैं सेविंग्स थोड़ी सी करती थी, तब मैं एक नई चीज ला, मतलब इस तरह से जर्नी स्टार्ट की। तो अब मैं कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं बता सकती कि हाँ इतने पैसों से आप ये चीज स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि मिनिमम से मिनिमम बजट में रहते हुए अब बहुत अच्छी तरीके से इंस्टाग्राम बनाना, में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने में क्या कॉस्ट, सबके पास आजकल एटलीस्ट 100 मोबाइल फोन तो है, साथ में कनेक्शन भी अच्छा, एक 6 कपकेक भी अगर बना लिया, अगर आप उसकी अच्छी फोटोग्राफी करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करो, आपकी जीरो कॉस्ट आ रही है, मतलब जीरो कॉस्ट आ रही है, लगा रहे हो आपके सारे पीयर ग्रुप्स में देख रहे हैं, आपकी जीरो कॉस्ट आ रही है, लेकिन वहां से जब आपको ऑर्डर जनरेट हो जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने 6 कपकेक बनाए थे ना, ये कितने वर्डफुल थे, और इसकी जो मैंने ब्रांडिंग की है, ये जो मैंने इसकी मार्केटिंग की है, वो कितनी वर्डफुल। तो बेसिकली आपको इनिशियल करना होता है फर्स्ट स्टेप, इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, आपको चीज को सेल करना आना चाहिए कि आपने सेल करना कैसे। व्हाट अबाउट द प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट, आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है, ये स्टैंड तो हम मतलब कहीं से इम्प्लीमेंट कर लेना तो काफी है, ऐसे तो अब हमें दिखाना पड़ता है कि, और वो दिखा हम कैसे सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू, कि आपने एक चीज जो है वो तो फ्लेवर बहुत अच्छा डेवलप कर लिया, आपने सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, आपने डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर ली, लेकिन अगर आपका बॉक्स ही प्यारा नहीं है और वो गंदा है, तो आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे ही है, तो आपको मुझे लगता है कि टिप टू टो पूरा एक रेडी करने चाहिए, मतलब कोई भी चीज है, आप केक नहीं, आप किसी और साइड पे भी जा रहे हो, कोई और बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको उसके बेसिक से लेकर जो मतलब एक हेड है वहां तक आपको अगर उसका फुल पैकेज रेडी करना ना, तो फिर आप कस्टमर को प्रेजेंट करके प्रीमियम चार्ज कर सकते। जबरदस्त। अच्छा, हमें जो नाज़रीन देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, लाइक जो कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो बिल्कुल 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फिर ओ लेवल्स, ए लेवल्स करी है, बट कुछ इसमें इंटरेस्टेड है, दे वांट टू डू समथिंग, बट कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी जरूरियात पूरा करने के लिए जो है वो किसी भी किस्म का ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, यू आर मोटिवेशन फॉर ऑल दोज गर्ल्स। तो अगर बात की जाए तो वो अगर मैं समझती हूँ कि कहीं वो स्टक होंगी, जो उसके लिए बैरियर होगा वो यही बैरियर होगा, यार मेरे पास हवन नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है, तो क्या हम एक चूल्हे से भी स्टार्ट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, एक चूल्हे से भी स्टार्ट किया जा सकते हैं। ये हुआ है कि मेरी बहन शी इज इन 4th क्लास राइट नाउ, ठीक है, okay. तो उसकी फ्रेंड है, जाहिर है वो भी मतलब उसी एज फेलो होगी, मैक्स अगर वो कितनी भी बड़ी होगी तो 10 ईयर से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो उसने मेरे कुछ इंटरव्यूज देखे हैं एंड शी वॉज कॉन्टेक्टेड मी थ्रू इंस्टाग्राम थ्रू माई पेज, और मुझे कहती है कि ना आपके केक्स बहुत प्यारे हैं, मैं भी बनाती हूँ लेकिन आपके बहुत ज्यादा प्यारे हैं, प्लीज आप मुझे गाइड करें कि मैं अपने केक्स को बेहतर बना के सेल कैसे कर सकती हूँ। okay. यानी कि एक 4th क्लास की बच्ची है, अब वो भी इतनी पैशनेट है बिल्कुल अपने काम को लेके कि मुझे भी ये चीज आती है, मैं इसको इम्प्रूव करके इसको सेल कैसे कर सकती हूँ। यानी कि अब 9th, 10th वाली बच्चियां शायद
बहुत दूर की बात है, 4-5 क्लास की बच्चियों को भी पता है कि हमने जबरदस्त हो गया। मतलब ये कि आपसे तो छोटे छोटे बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं, मुझे लगता है मुझे भी स्टार्ट कर देना चाहिए। लाइक बड़ी मजे की चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताया कि कोई भी हम लोग इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी जो सक्सेस की है वो किस चीज़ में है? सक्सेस की हर किसी की डिफरेंट होती है, हर किसी की डिफरेंट होती है। मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं इसमें ही इंडल्ज हो जाऊंगी और मेरे लिए जो है वो यही एक रास्ता बनता चला जाएगा। मेरे लिए की फैक्टर जो रहा है ना वो यही रहा कि अल्लाह ताला पे ट्रस्ट। अब वो पता था कि कुछ करना है लेकिन क्या करना है ये नहीं पता था। और मैं अभी तक ये कहती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मेरा ना हाथ पकड़ के मुझे ऐसे ऐसे एक एक स्टेप पे चढ़ाया है। अच्छा ये एक स्टेप ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप ये है। बिल्कुल, तो मेरे लिए जो की है ना वो शायद वो ही अल्लाह ताला पे ट्रस्ट। अच्छा जी, तो इकरामा नूर के फ्यूचर गोल्स क्या हैं अभी फिलहाल? अच्छा मैं ना बहुत लंबी प्लानिंग्स नहीं करती, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती। स्टेप बाय स्टेप चलती, स्टेप बाय स्टेप, मतलब होता है कि छोटे छोटे स्टेप्स लो और बस मतलब ये चीज डिसाइड करो। तो मतलब मेरे अगले एक साल के अंदर अंदर मैं क्या क्या चीजें कर सकती हूँ ये मेरे लिए बहुत इनफ होता है। तो हाँ अभी इस स्टेप से लेके एक साल के अंदर अंदर मैंने ये चीज प्लान की है कि मैं एक स्टूडियो बनाऊंगी। Okay. मतलब आउटलेट की तरफ मुझे नहीं जाना अभी क्योंकि वो एक फुल टाइम जॉब और वो सब चीजें मैं अभी दैट कैन बी हेक्टिक। बिल्कुल, और मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे लोग। Obviously. मुझे जो है ना वो है शौक कि मैं स्टूडियो बनाऊं। ठीक है, मतलब मैं अपना जो है वो केक स्टूडियो हो जिसपे लोग आके अगर वेडिंग केक्स हैं उनके तो वो पूरा डिजाइन मेरे साथ शेयर करें, अपनी वेडिंग की लुक पूरी शेयर करें और अपना थीम पूरा शेयर करें। और फिर मैं उनके वेडिंग केक्स किस तरह के बन सकते हैं, कौन कौन से फ्लावर्स ऐड हो सकते हैं, क्या थीम हो सकता है, क्या फ्लेवर्स हो सकते हैं, वो डिस्कस करूं वहाँ पर, उनके साथ डमीज शेयर करूँ कि ये चीजें ऐड या प्लस माइनस हो सकती हैं। तो मेरा जो भी अगले साल तक का पूरा एक प्लान है वो स्टूडियो की तरफ, स्टूडियो का स्टूडियो बना। जबरदस्त। ज्यादातर ऑर्डर्स किस चीज के आते हैं? ज्यादातर जो है वो सीजनल होते हैं, मतलब डिपेंड करता है। जैसे रमजान में हमें केक्स, आपको पता है बहुत कम हो जाता है केक का, तो हमारे फ्रोजन आइटम्स बहुत ज्यादा जाते हैं। प्लस ये कि रमजान में अपनी डिफरेंट चीजें इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। रमजान में मेरे उसमें होता है कुराने पाक बॉक्स, कुराने पाक का एक बॉक्स होता है उसमें, मतलब मिनी कुराने पाक होता है, एक तस्बीह होती है, साथ में स्टफ डेट्स होती है और कुछ एक प्लेटर होता है जो फ्लावर डेकोरेटेड होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेट्स होती है। और माशाल्लाह जो मेरा लाइक ये चीजें जो आप शेयर कर रही हैं ये आइडिया सभी आते हैं जब आप फुली पैशनेटेड होके चल रहे होते हैं कि साथ अब ये सीजन आ गया तो मुझे ये चीज को करना चाहिए, इस तरह से मेरी मार्केट भी जल्दी ज्यादा ऐसा देखो। क्योंकि हम किसी भी बिजनेस को भी अगर देखते हैं, मतलब कोई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं तो वो भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपने सीजन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। लॉन के देखो तीन तीन वॉल्यूम आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल, तो हमें हर बिजनेस को इसी तरह से प्लान करना पड़ता है कि अब ये सीजन आ गया तो हमें इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजीज को इस तरह से चेंज करना है। जबरदस्त हो गया। सबसे जो आपको लगता है कि मेन हर्डल आपके बिजनेस में आई वो क्या थी? जो मेन हर्डल आई हो मेरे बिजनेस में वो मेरा घर में काम करना। ओके। क्योंकि ये कभी कभी ना बड़ी हर्डल बन जाती है। अब देखो दूसरे लोगों को लग रहा है कि हाँ कितने सुकून में घर में ये तो काम करिए, लेकिन ये इटसेल्फ आपके लिए होती है कि आप घर में हो, आप अपने बिजनेस को भी देख रहे हो, आप अपने घर को भी देख रहे हो, अगर आपके घर में गेस्ट आ गए आप उनको भी डील कर रहे हो, तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है। ऐसा ही जो कि दूर से सारी चीजों को एक साथ मैनेज करना, क्योंकि देखो 9 to 5 जॉब इज समथिंग एल्स। 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, आप घर से दूर हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप वहां से उतने ही टाइम के बाद वापस आओगे, एवरीवन नोस दैट। लेकिन इफ यू आर एट होम, अब केक है, आपके कपकेक्स है, आपका वेडिंग केक है, जो मर्जी है, आप घर पे हो, अब वो केक जो है वो बनाओ, टाइमली मैनेज करो, गेस्ट आ रहे हैं तो आपको वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा मुझे बताया कि आप किन किन एरियाज में जो है वो अपनी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रही है? जबरदस्त हो गया। मुझे लगता है कोई सवाल रह गया बिजनेस रिलेटेड जो अभी तक मैंने ना पूछा हो, एनीथिंग एल्स, एनी स्टोरी जो आप शेयर करना चाहती हो कि इसको भी शेयर किया जाना चाहिए ताकि नाज़रीन ज्यादा मोटिवेट हो जाए? देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट किया था और माशाल्लाह अब के तो वो तो सुपर डुपर डुपर हो गए। तो किसी भी चीज को ना आप ये नहीं कह सकते कि अभी मुझे ये नहीं आता या मैं पूरी कमांड ले लूं इसमें। हाँ बहुत सारे देखो लोगों पे डिपेंड करता है, लोगों की डिग्रीज पे डिपेंड करता है, लोगों के टाइम पे डिपेंड करता है। इफ दे आर इन अर्ली 20s जाहिर है उनके पास दे हैव इनफ टाइम, या अभी वो टीनेज के स्टार्ट में तो दे हैव इनफ टाइम, वो अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी में एंटर हो चुके हैं और वो लाखों रुपए फीसेस पे कर रहे हैं, नाउ दिस इज द टाइम जब आप यूनिवर्सिटी में रहते हुए अर्निंग स्टार्ट कर दो, जरूरी है ताकि जब तक आपकी स्टडीज तब तक you will be have experience। बिल्कुल, कि आपने बड़े बिजनेस की तरफ कैसे मुड़े? बिल्कुल, पता हो हम ग्रेजुएट करते हैं, आई थिंक जो स्टडीज के बाद फिर ना एक बिजनेस का जॉब का प्रेशर ज्यादा आ जाता है।
कहते हो कि 20,000 की मिल रही है तो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं, हम नहीं कर सकते ऐसे ही। तो वो ये होता है कि आपको अपनी वो 6 ईयर्स या 4 ईयर्स की एजुकेशन में ना अपने आपको इतना ग्रूम कर लेना चाहिए कि आपको अपनी वर्थ का खुद ही पता चल जाए। बिल्कुल ऐसे ही, जबरदस्त प्रोडक्टिव गुफ्तगू की है। एंड कैसे करेंगे आप इसका? काफी सारी बातों के साथ एंड हो गया है, लेकिन हाँ एक छोटा सा मैसेज जरूर देना चाहूंगी, अपने आप को किसी भी एक सर्कल में महदूद मत करें। अगर आपको लगता है कि आप इस सर्कल से बहुत ज्यादा बाहर निकल के अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप नई स्किल्स सीख सकते हैं, तो वो सीखें और उन स्किल्स के साथ अपने आप को एनहांस करो। और फिर जाहिर है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, तो आप वो स्किल्स के साथ अपने उस काम को बहुत बेहतर तरीके से सरंजाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। हमारे साथ मौजूद थी इकरा महनूर और बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की और एक मार्केट की स्ट्रेटजी बताई कि हम किस तरह से वर्क कर सकते हैं और हम आज ही अभी से किस तरह से अपने काम को प्रोसीड कर सकते हैं। आइदर बेकरी आइटम की सिर्फ बात नहीं, अब किसी भी बिजनेस में जो है वो अगर इंटरेस्टेड है, लड़की अपना फेस नहीं भी दिखाना चाहती, तो आपने सिर्फ अपनी जो है वो प्रोडक्ट की पिक्चर्स लेनी है, फोटोग्राफी इनकी करनी है, देन यू जस्ट हैव टू पोस्ट इट एंड ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है, दैट इज़ पेशेंस, कि हमें पेशेंस रखना है। ये नहीं कि आपको एक दो दिन में ही जल्द सारा स्टार्ट हो जाएंगे। इनका 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी है। अगर इनकी फर्स्ट पिक्चर को देखा जाए और अभी की रिसेंट पिक्चर को देखा जाए तो यू विल सी अ मेजर डिफरेंस। तो ये मेजर डिफरेंस को, इस टाइमलाइन को कवर करने के लिए वी हैव टू गिव टाइम टू द बिजनेस। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिजनेस आइडिया कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।